वो सामने ऊपर वाली साइड से कहीं बाहर आके अपने फैंस को शाहरुख खान मिलता है। मेरे को लगता है एक रास्ता पीछे से भी होगा जरूर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो सारा दिन ऐसी भीड़ रहती है। वो देखो लोग कैसे उसके गेट के आगे है ना, मतलब फोटो करवा रहे हैं, तो देख लो भैया आप भी। जब हम CST की तरफ जाएंगे तो रास्ते में अपने को एक सुरंग भी मिलने वाली है, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा मुंबई में सुरंग वाला भी। अरे लाइट नहीं दीजिएगा, यह दे रही होगा भाई, ज़्यादा नहीं है 500 किलोमीटर की सुरंग होगी। ये बिल्कुल ऊपर वाली साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई वो घूम रहे हैं समुद्री जहाज, ये देखो। और ये खड़ी है अपनी कैंपरमैन, और वो है समुद्री जहाज, और वो पता नहीं किस्ती कुश्ती में क्या कर रहे हैं भाई, क्या कुछ चल रहा है ना। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले वाला व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पूरा मुंबई घुमा रहा हूँ, और मैं हूँ इंडिया रोड ट्रिप पर, जो पहले से जानते हैं उन्हें तो इस चीज़ का पता ही है। अभी मैं जा रहा हूँ वर्सोवा बीच की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो आज आप सारी बीच कवर करने वाले हैं। और जुहू बीच तो जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, अब वर्सोवा बीच देखते हैं वहाँ पे कुछ इससे अलग होगा या सेम होगा, वो जाके ही पता चलेगा। अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा, तो जस्ट मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखी है। बाकी भाई ठीक है, मुंबई भी बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है ना, मतलब तो लोग भी हेल्पफुल हैं। ये नहीं है कि आपको मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जैसे मुझे अभी 2-3 दिन हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, तो बढ़िया चल रहा है सब, ओके है। लोग हेल्प कर रहे हैं, मतलब कुछ यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, कुछ जो इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई मिल भी जाता है मुझे है ना, तो वो बोलते हैं हेल्प वगैरह के लिए। ब्रेकर आ गया था यार ज़बरदस्त वाला, उसने उठा कर फेंक मारा, क्योंकि सामान वगैरह काफ़ी पड़ा है वैन में है ना, कई बार हाईवे पे आ जाते हैं ब्रेकर बहुत तकड़े। ये है अंधेरी, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कैफे वगैरह बने हुए हैं, बैठने के लिए ब्रेकर मैंने फिर टपा दिया, बहुत सारे कैफे वगैरह यहाँ मिलेंगे। ये देखो जैसे कैफे वगैरह हैं खाने पीने के लिए, आपां कैफे कूफे से क्या करवाना है ना, कल जड़े ने गया तो कैफे पे बहने गया, नहीं बना चुप करके अपनी खोलते हैं आप वैन की किचन और बना के खा लेते हैं। और ये देखो ये पड़ा मेरा फूड, वो पड़े हैं फ्रूट्स, और ये मैंने सुबह बना ली थी सेवियाँ भर के बना ली थी, अब जब भी भूख लगती है उसको उठाता हूँ, उठा के खा लेता हूँ बस। ये सिंपल सा काम है अपना, क्योंकि भाई डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अकेले चलते हैं कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो संभालने वाला भी नहीं होगा। सो डाइट वगैरह अच्छी तरह फॉलो करके फिर ही निकलते हैं आप। ग्रीनरी बहुत है भाई मुंबई में, इस साइड तो बहुत है, और का पता नहीं, यहाँ भी मैं घूम रहा हूँ अंधेरी में, यहाँ पे तो ठीक है, ओके है काम। ये देखो भाई नज़ारा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ना वो उस पर आ गया मैं कमर्शियल जगह पे, बट ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ जी, तो ये मैं अभी पहुँच चुका हूँ वर्सोवा बीच पर, वर्सोवा बीच देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या कुछ होगा। यहाँ पे भी क्रिकेट चल रही है भाई, और ये बैठे नारियल पानी वाले भाई, बोटिंग भी है, वही चीज़ है बस। उधर क्या था कि आप नीचे तक जा सकते थे बिल्कुल, बस इसके थोड़ा ऊपर ऊपर है, बिल्कुल डाउन तक हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पानी मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा गहरा होगा इधर, बट इसको आप अगर आओगे मुंबई तो इसको कवर करना चाहिए। और मेरा फर्ज ज़रूर बनता है कि जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब घूमने वाली देखने वाली, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये है सारे नज़ारे वर्सोवा बीच के, देखो जी। तो मैं अभी जा रहा हूँ बैंड स्टैंड की तरफ,
मुंबई में एक जगह है बैंड स्टैंड, तो बोल रहे हैं कि उसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, तो वो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कवर किया जाए। ये भाई जा रहे थे स्विगी वाला, स्माइल कर रहा था, पहले मैं कैमरा करने लगा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ही करना है। यहाँ पे भाई फ्लोर एक तो बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े फ्लोर हैं भाई, जो मुंबई बना हुआ है वो सीधा सीधा नहीं है, ऊंचा नीचा, पहाड़ियों के ऊपर उतर जाओ कभी नीचे उतर जाओ, मतलब काफी अच्छा काम है भाई। अरे मैं गलत तो नहीं आ गया अच्छे अच्छे के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में? नहीं नहीं सही जा रहा है जी, कुछ हो गया इधर, मेरा तो कैमरा उल्टा, कैमरा क्या, नहीं नहीं सही है सही है सही है लोकेशन, मैंने सोचा कहीं गलत हो गया काम, ये ऊपर से घुमा के ये देखो फिर मेरे को इधर ही लेके आ रहा है, सारा बॉम्बे नीट एंड क्लीन है या जिस जगह पे मैं घूम रहा हूँ वो एरिया थोड़ा अच्छा है ना, बट वही अच्छा है ना, बढ़िया भी है, रहने लायक है। ये देखो जैसे दिल्ली में तो बुरा हाल हो जाता है, वो चीज नहीं है, इधर ठीक है काम भाई। ये देखो भाई सामने का व्यू क्या लाजवाब है भाई, चल भाई चल चल रेस दे दे रेस दे दे, अरे भाई मेरे क्या बात है क्या बात है, देखो भाई यहाँ से व्यू देखो आप कितना सही व्यू आ रहा है भाई। अभी यहाँ पे आप कहीं पार्किंग ढूंढे, पार्किंग ढूंढ के फिर गाड़ी पार्क करके फिर जाते हैं आप अंदर और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे बैंड स्टैंड में। इन लोगों के नजारे हैं, शाहरुख खान का घर भी यहीं पे कहीं पे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी साइड है बार बार से। ये देखो भाई नजारा, आप थोड़ा रोके इधर, आप रोक के देखे नजारा क्या चीज है इधर, वो देखो भाई जनता बैठी है घूम रही है। ये जो सारा आप देख रहे हो ये है बैंड स्टैंड का व्यू, ये देखिए आप, मतलब यहाँ पे ऐसे पत्थर बने हुए हैं और आप बैठ के समुंदर के नज़ारे ले सकते हो, यहाँ पे देखो आप सारे के सारे लोगों ने कपड़े धो धो के सुखा रखे हैं भाई इधर बैंड स्टैंड पे, तो ये देखिए सारा नज़ारा बैंड स्टैंड का। अभी आपको दिखा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ शाहरुख खान का घर, उसका जो बंगला है वो दिखाता हूँ, और ये वाला रश देखो आप, ये जो आप रश देख रहे हो ना ये सारा खड़ा है, ये उसके घर के बाहर ही है, देखो आप जितने भी लोग खड़े हैं ये शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े हैं, ये देखो आप, ये सामने आप देख रहे हो ये जो बंगला है, ये सामने वाला ये ऊपर तक देख रहे हो ये उसका घर है शाहरुख खान का, और ये जो लोग हैं सारे उसके बाहर ही खड़े हैं, ये देखो आप मूवीज वगैरह में देखते होते हैं ना कि लोग आके खड़े हैं और बर्थडे पे सब कुछ है ना कि कहाँ पे बाहर आता है, और फिर ये वाला रोड है वो, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, यहाँ पे रश होता है और यही किसी ना किसी बिल्डिंग से आगे बाहर वो अपने फैन से मिलता है, ये सारे लोग देखो बस उसके आगे आके फोटो खिंचवा रहे हैं ये सब लोग, वो सामने ऊपर वाली साइड से कहीं बाहर आके अपने फैंस को शाहरुख खान मिलता है। मेरे को लगता है एक रास्ता पीछे से भी होगा जरूर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो सारा दिन ऐसी भीड़ रहती है, वो देखो लोग कैसे उसके गेट के आगे है ना, मतलब फोटो करवा रहे हैं, तो देख लो भैया आप भी। ये है जी सारा बैंड स्टैंड का व्यू, आप देख सकते हो सामने समुंदर की लहरें, ये देखो आप अब कुछ देर में यहाँ पे बैठने वाला हूँ, बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे, अच्छा व्यू है, और उसके बाद निकलेंगे अपनी अगले वाली लोकेशन के लिए है ना। तो ये देखो आप भी ले नज़ारा थोड़ा इसका, इसके व्यू का,
हाँ जी, तो आज मैं निकल रहा हूँ CST के लिए। CST की लोकेशन बोल रहे हैं काफ़ी अच्छी है, तो मैं आपको जाके दिखाने वाला हूँ भाई। बाकी जितना भी मुंबई की ये सिया साइड लगती है ना मुंबई में पूरे, वो सारी बहुत अच्छी है। ये देखो आप, इसकी लेफ्ट साइड में सारे समंदर है और उसके साथ साथ में जा रहे हैं आप बिल्कुल, और लेफ्ट साइड में अपने सारे समंदर है। देखो कितना अच्छा मतलब रोड व्यू है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर हूँ मैं, अभी हूँ मैं मुंबई में, इसके बाद गोवा, कर्नाटका, केरला सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और रेड लाइट थी? नहीं थी भाई, ब्लिंक कर रही है, आप क्रॉस कर सकते हैं कई बार ना वीडियो के चक्कर में और ही कुछ बन जाता है, बट अभी तक सही है। पुलिस वगैरह भी सब कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रोक लेते हैं पुलिस वाले मुझे, बट रोकने के बाद फिर वो बातचीत करते हैं, पूछते हैं, उसके बाद फिर जाने देते हैं। कोई ऐसा सीन नहीं है कि भी हाँ रोक के बोलेंगे अभी आप तुम्हें जाने नहीं देना, या चलान वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक तो सारा ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बाकी आगे भी ठीक ही रहेगा, अभी तक सही चल रहा है तो ना। चलो भाई चलो 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 मुंबई भाई। यहाँ पे दूसरी नंबर प्लेट अभी भी नहीं लगा रहे, देखो आप आप रास्ते का व्यू, उस फ्लाई ओवर के परली साइड सारा समंदर है ना। तो ये है मुंबई, ये आ गई नई मुंबई। ये देखो आप क्या मजे है भाई, भाई मुंबई वाले भी ना बहुत हेल्प कर रहे हैं सच्ची। बहुत लोग ऐसे मिल रहे हैं मतलब और गाड़ी को रोक के है ना मेरे से बार बार पूछ रहे हैं है ना भी आपको कुछ हेल्प की जरूरत है, आपको कुछ रहने का चाहिए है ना, कुछ भी चाहिए, मतलब वो अपने नंबर मुझे देके जा रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं कि बताओ कुछ चाहिए आपको तो हम प्रोवाइड करवाएंगे, आप रुकने के लिए हमारे पास रुक सकते हो। तो थैंक यू सो मच भाई, इतना मतलब बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप लोग है ना इतना सोच रहे हो, इतना कर रहे हो, क्योंकि तो मुंबई इतनी फास्ट सिटी है, अपने को पता है ना बहुत फास्ट सिटी है, मतलब स्लो नहीं है ना, रात दिन रात ये चलती रहती है, दिल्ली हो गया मुंबई हो गई। तो फिर भी लोग अगर रास्ते पे जाते हुए मेरे को लोग पूछ रहे हैं तो ये सब इतना प्यार मेरे को लगता है अपने इंडिया में ही मिल सकता है। अब ये गाड़ी भी निकली है और वो भी आगे से मेरे को बोल रहे हैं, हाय बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा और थोड़ा हौसले में हो जाते हैं भी, ठीक है कोई बात नहीं। और सामने का व्यू देखो यार आप, बाकी छोड़ो ये करो चेक आप व्यू देखो आप सामने का कैसा आ रहा है, क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। जो CST है वैसे एक रेलवे स्टेशन है, तो इसकी मतलब आउटलुक है वो काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो जो इसको बनाया गया है बहुत ही बाकमाल बनाया गया। आप देखो ये देखो ना, ये देखिए आप, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको। इस यहाँ पे ना पार्किंग नहीं मिल रही कहीं भी आसपास, तो इस करके आप बार बार से कवर करेंगे अच्छी तरह भाई। ये है नज़ारा मुंबई का, देखो आप क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ जी, तो मैं अभी निकल चुका हूँ मुंबई से अपने गोवा के लिए, और ये है रोड व्यू कुछ ऐसा होने वाला है रास्ते का, क्या बात है भाई। यहाँ से ना अभी एक वो गाड़ी निकली है, लैम्बोर्गिनी निकली है, पता भी नहीं चला, भी इतनी स्पीड से निकली है ना वो, इतनी स्पीड से निकली है मतलब मैं कैमरा भी नहीं चला पाया, बस इतनी वजह बस इतना ही सुना मुझे वो निकल गया भाई, बहुत स्पीड से निकली है भाई लिटरली। इधर देखो इन्होंने मतलब पूरा बंद ही कर रखा है, मतलब बिल्कुल समुंदर के ऊपर ही बना हुआ है ये सारे का सारा हाईवे है, जो पूरे का पूरा हाईवे है जी, आप मैप पे देख सकते हो, ये देखो दिख रहा हो तो आपको कि सारा समुंदर ही है चारों तरफ और उसके ऊपर ये हाईवे जा रहा है, तो इसका मतलब बाकमाल व्यू है, क्या मजा है भाई इसका, बहुत सही है।
ये बिल्कुल ऊपर वाली साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, वो घूम रहे हैं समुद्री जहाज। ये देखो, और ये खड़ी है अपनी कैंपरमैन, और वो है समुद्री जहाज। और वो पता नहीं किस्ती कुश्ती में क्या कर रहे हैं भाई, क्या कुछ चल रहा है।